हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टार्ट हो रहा है दोपहर का 1 बजे से ब्लॉग है। ये स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से ब्लॉग। तो यही मेरा किचन के डब्बे की साफ सफाई हो रही है आज, क्योंकि ये किचन का सबसे बड़ा काम होता है, हर घर में होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो बहुत बारीकी से सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई तो मैंने पहले भी की थी, सफाई तो मैंने अभी 11 या 12 तारीख को करी थी पूरे डब्बी डिब्बा का। लेकिन जैसे पेंट हो रहा था ना, तो बहुत सारे धूल वगैरह उड़े थे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसको आज साफ कर लेते हैं। तो मैं इसे साफ कर रही हूँ, सारे डिब्बे के एक तख्त के ऊपर मैंने रख दिया है। और आप देख ही रहे होंगे कि पूरे रूम में सारे कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं, और ये डब्बे की सफाई हो रही। फ्रेंड्स, घर में इतने सारे काम होते हैं कि दिन भर करते रहो ना, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। तो ये 1 बजे से बहुत सारे काम थे सुबह से। तो मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाया था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, पर काम बहुत ज़्यादा थे। और पेंट होता है तो घर पूरा बिल्कुल उथल पुथल मच जाता है, सारे सामान को इधर उधर करना पड़ता है। तो इस रूम में आप लोग देख रहे हो, चारों तरफ से सिर्फ सामान ही सामान रखा हुआ, क्योंकि यही एक रूम बचा है जो हमने इसमें पेंट नहीं करवाया है। और मेरे डब्बे सारे धुला गए हैं। धुलना तो क्या था, मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला और उसको थोड़े से कपड़े में डिप करके और उसको करके फिर सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया, क्योंकि सामान रखने से पहले मैंने डब्बे की सफाई अच्छे से करी थी। तो थोड़ा थोड़ा ये करना था, तो मैं यही स्टार्ट करी हूँ अभी। आज ही पेंट हो रहा है दूसरे कमरे में। मैंने सोचा चलो अच्छा किचन हो गया तो मैं किचन का सामान सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे जो ये ऊपर बड़े बड़े डब्बे हैं ना, सारे मैं ऊपर लगाऊंगी, और जो मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं छोटे डब्बे सारे पीछे, जो मुझे बहुत देर बाद ज़रूरत पड़ती है, जिसे कभी काल पड़ती है, तो वो मैं पीछे लगा रही हूँ। और जो हमेशा ज़रूरत पड़ती है वो मैं थोड़ा सामने सामने रखती हूँ ना, तो इसे मैं उठा लेती हूँ। ये डब्बा हमने रखा है उस पर चढ़ के मैं फटाफट उठा लेती हूँ, क्योंकि कितना भी किचन में जगह होता है ना, तब भी काम पड़ जाता है। तो इतना बड़ा दोनों तरफ से टाँड होने के बावजूद, मतलब जो सज्जा लगा होता है, रैक वगैरह जो भी बोलते हो आप लोग, हमारे यहाँ रैक बोलते हैं, तो कितना भी बड़ा होता ना, तब भी ये कम ही पड़ता है, हमेशा कम पड़ता है। तो ये साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि 2 बजे 1.5 बजे तक सब खाना भी खाते हैं। तो खाने में बना रहा हूँ दाल चावल सब्जी, और मैंने तावा रख दिया रखा है, हमें रोटी बनाने जा रही थी तो मैंने तावा इधर साइड में रख दिया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले दाल फ्राई कर दूँ फिर तावा रखूँ। तो हमारा दाल का तड़का जल रहा है, मैं तब तक सामान सेट कर रही हूँ, देखती रहती हूँ इस तरह से। और डब्बे सारे मैं लगा रही हूँ, बड़े बड़े डब्बे सारे मैं ऊपर रखती हूँ, छोटे छोटे सब जो रोज इस्तेमाल करती हूँ वो मैं नीचे रखती हूँ। तो ये हमारे डब्बे इधर के सेट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने डब्बे सारे मसाले वगैरह मसालदानी से हटा के साफ किया था, तो ये मैं मसाले इसमें निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसाले ना ख़त्म हो गए थे, थोड़ा थोड़ा बचा था, कई दिन से मैं नहीं निकाल रही थी कि थोड़ा थोड़ा बचा है तो ये ख़त्म हो जाए, अगर धुलना ही डब्बा तो थोड़ा थोड़ा बचा था, तो ये निकाल पेपर में रखे थे। और फिर डब्बे में मैंने मसाला भर दिया है, और ये बड़े वाले डब्बे जो है अब मैं उठा के इसे ऊपर रख दूंगी। नमक खत्म हो गया था छोटे डब्बे में, उसमें भी मैंने डाल दिया है नमक। और फ्रेंड्स, ये मैं भिगा रही हूँ ना मेथी, इनको शुगर है तो ये मेथी खाते हैं, सुबह भिगा देती हूँ रात को, सुबह ये खा लेते हैं, इसे धुल के मैं भिगा दूंगी, अब सुबह ये बासे मुँह खा लेते हैं मेथी। अब फायदा हमको तो नहीं लगता कि बिना दवा तो मैं कंटिन्यू खाना ही पड़ता है, लेकिन अब खाना चाह रहे हैं तो खाते हैं अपने। और ये मसाले वाले डब्बे भी मैं ऊपर लगा दूंगी अब, और साथ साथ मेरा खाना भी हो गया और ये सामान भी पैक हो गए, और सारा काम निपटाते मेरा हो जाता है शाम 8:30। इसके फिर बाद खाना खिला के फिर लग जाना है साफ सफाई में, तो सारा निपटाते हो फिर रात का खाना, मतलब निपटाते 1 बजे से कोई काम, फिर कोई ब्रेक नहीं हुआ रात इस समय, तो पूरा काम कंटिन्यू चलता रहा। बहुत काम आज हो गया है, मतलब बहुत थोड़ा ही बचा है।
ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा थोड़ा ही बचा है काम। ये देखिए खिचाव चट हो गए हैं सारे, और थोड़ा थोड़ा सामान बच रहा। अम्मा पूछ रही हो गया, मैंने को ही बता रही थी कि थोड़ा थोड़ा अम्मा बचा है सामान, मैं कल रखूँगी इसे। मंदिर भी लग गया है, और मंदिर का भी सारा सामान लग गया है अंदर। ये देखिए मंदिर में लग गया है, और फ्रिज की सफाई ऊपर ऊपर हो गई है, अंदर मैं कल करूँगी। बिस्तर भी ठीक ठाक है, और बिस्तर भी पड़ा है। मैंने सोफा का कवर खरीद वो खरीदा था, तो वही पड़ा है। इतने देर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा काम बहुत हो गया, बहुत सारे काम आज हो गए। यूँ समझ लीजिए कि पूरा घर इस तरह बिखरा हुआ था, दिमाग खराब हो रहा था। कई दिन से पेंट पेंट करके, दो ही रूम करवाना था लेकिन सब लगा दिए 6 दिन। दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा था कि ऐसा बिखरा हुआ था, लेकिन हाँ आज बहुत सारे काम हमारे हो गए हैं। और सामान भी, किचन भी हमने किचन ही सेट किया है ज़्यादा। और ये बेड में जो किताबें वगैरह हमने निकाला था, किताबें हमने पहुँच पहुँच के बच्चों से रखवा दिया। आ गया मेरा बच्चा एक बड़ा वाला, तो ही रखा है सारी किताबें वगैरह, आज मैं नहीं रखी हूँ। बाकी चीज़ें बहुत सारा काम आज हेल्प हो गया। अलमारी वगैरह था तो वो सब करवा दिए, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आज हेल्प हुई। तो मैं इस तरह वीडियो नहीं बनाई कि मतलब मैंने किस तरह सामान जमाया वापस, और बच्चे नहीं चाहते भाई कैमरे में आना, तो इसके लिए सॉरी कि हमने नहीं दिखाया ये चीज़। और नए काम में मैंने आज ये देखिए, मैंने ये सोफा का कवर लिया है, आज आया थे यहीं पे हमने लिया, जिसे दरवाजे पे ही आया था, तो मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने ये ले लिया, अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा चलो हर चीज़ मार्केट जाके ना कई चीज़ें भूल जाते हैं, और 10 दुकानें होते हैं समझ में भी कम आता है, तो मैं यही ले लूँ। तो अब बच्चे रहते हैं ना, तो चूज़ करने में भी आसानी होती है, और अकेले जाओ तो नहीं उतना आता। ये अम्मा थी घर पे, तो मैंने कहा अम्मा जो बता दो अच्छा लग रहा है आपको वो ले लेते हैं। तो अम्मा ये बोली कि यही ले लो, तो मैंने कहा ठीक है। अब अम्मा भी बोल रही हो, हमें भी कोई बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया है। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ था दोपहर 1 बजे, और अभी बज रहे हैं 7:30। अब बनाने वाली हूँ मैं खाना, और आज का ब्लॉग का यही एंड होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं आज रिकॉर्ड करी हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम बच्चे कर दिए, तो उसमें मैं तो सिर्फ किचन का ही डब्बे सेट करने में लग गई थी, और अलमारी में कपड़े जमाने में, तो सारे लोग वहाँ पे रहते थे तो उतना होने लगा। ऐसा करते बिल्कुल इतनी थकान हो रही पूरे दिन, इस तरह 1 बजे से लेके 7:30 हो गए। और जब पेंट वगैरह होता है घर ना, तो एक एक सामान हटाना, एक रूम में शिफ्ट करना, एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ज़्यादा टेंशन रहता है, और रहने का भी दिक्कत होता है। तो फाइनली हो गया, सफाई तो हो गया, पर जान तो शरीर को होता है कष्ट, और मन को होता है बहुत खुशी कि मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो घर का लुक मैं तो कल दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा काम भाई भैया बाहर कर रहे हैं, और वो बोल रहे थे भाभी मेरा वीडियो मत बनाना। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ही वीडियो बनाऊँगी, अपने फ्रेंड्स को मैं दिखाऊँगी, आप लोग रहने दीजिए। तो अम्मा बोली रहने दो कोई बात नहीं, कहने तो थोड़ा काम कर रहे हैं अभी बाहर, तो इसलिए मैं नहीं दिखाई। और कल मैं दिखाती हूँ अपने घर का पूरा लुक, और पर्दे वगैरह जो लगाने हैं उस तरह से कल मैं दिखाऊंगी। कल हमारी बेटी आने वाली है, तो और बिजी रहूंगी। तो आज हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा था, लगा आप लाइक सब्सक्राइब करके बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है। अभी मेरा कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने हैं, दोस्ती नहीं हुई ज़्यादा लोगों से। अब आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए, और कमेंट करके बताइएगा मैं कैसा व्लॉग बना रही हूँ, और कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हो, और अच्छा बना रही हूँ तो तारीफ भी कर सकते हो, ठीक है। और इतने देर आप लोग बने रहते हो, हमें फॉलो करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और माताओं को धन्यवाद, और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा।